हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्णा लवाट। तो देखिए, आज मैं ये इस तरीके की पोशाक लड्डू गोपाल जी के लिए बनाऊंगी। ये मैंने 5 और 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाई है। इसको बनाना भी बहुत ही इजी है, बहुत ही इजीली आप इस तरीके की ड्रेस बना करके तैयार कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक हैंकी की हेल्प से इस तरीके की ड्रेस आप बना करके तैयार कर लेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले गाइस, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, लड्डू गोपाल जी की ये ड्रेस आपको अच्छी लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्यूटीफुल सी ड्रेस बनाना। तो उसके लिए देखिए, मैंने ये हैंकी ले लिया है और हैंकी की दोनों साइड से मैं आपको मेज़रमेंट बता देती हूँ। ये देखिए, अच्छी तरीके से इसको मेज़र कर लेंगे दोनों साइड से। एक साइड से ये 10 इंच है और एक साइड से ये 9.5 इंच है। तो देखिए, ये 10 इंच की जो हमारी लंबाई है इसकी, इसको हम देखिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे इसको हम इतना, और इसको यहाँ से मेज़र कर लेंगे। देखिए, लगभग हमें 3 इंच की एक स्ट्रिप कट करनी है। तो हम 3 इंच इसको रख करके 3 इंच हम इसको मेज़र करेंगे अच्छी तरीके से। पूरी साइड से हम देख लेंगे 3 इंच होगी इसमें। इसको मेज़र करने के बाद इसकी हम 3 इंच की स्ट्रिप इसमें से कटिंग करके निकाल देंगे। यहाँ से इसकी कटिंग कर देते हैं। इक्वल्स कटिंग करेंगे। ये 3 इंच की स्ट्रिप हमने हैंकी में से यहाँ से कट कर दी है। एक हमें स्ट्रिप और कट करनी है 3 इंच की ही। तो इस स्ट्रिप को हम यहाँ पर रख देंगे और इक्वल 3 इंच की एक और स्ट्रिप कर देंगे। ये हम इस तरीके से यहाँ से इसलिए काट कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो कॉर्नर का साइड है दोनों स्ट्रिप में आ जाएगा। ये जो लॉक साइड एरिया है हमारा, दोनों स्ट्रिप में आएगा। तो यहाँ से इसको भी हम कटिंग कर देते हैं। ये हमारी 2 स्ट्रिप कट करके तैयार हो जाएगी। 3-3 इंच की हमारी 2 स्ट्रिप कट करके तैयार हो जाएगी। और ये 10 इंच की इसकी लंबाई थी स्ट्रिप की, तो ये लगभग 20 इंच की हमारी ये तैयार हुई है पूरी स्ट्रिप। अब हम इसको बीच में से सुई धागे की हेल्प से सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने इस पर सिलाई लगा दी है सुई धागे की हेल्प से। इसको सेंटर से जोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें प्लेट्स डालेंगे। छोटी छोटी प्लेट्स डाल के सुई धागे की हेल्प से इस पर हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, प्लेट्स डाल करके तैयार कर दिया है मैंने ये। इस तरीके से हमारा राउंड शेप इसमें आएगा। प्लेट्स डालने के बाद सुई धागे की हेल्प से इस पर हमने प्लेट्स डाली है। अब हम इस पर चोली ज्वाइन करेंगे। चोली जोड़ने के लिए देखिए, जो हमारी एक एक्स्ट्रा स्ट्रिप इसमें से बची हुई थी उसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। एक फोल्ड और किया हमने, 2 फोल्ड हमने इसके कर दिए स्ट्रिप के। अब इसकी चोली की शेप हम इसमें से कटिंग करके निकाल देंगे। तो देखिए किस तरीके से कटिंग करेंगे। थोड़ा सा हल्का सा इस साइड से कट करते हुए बाजू की शेप में इसको हमें कटिंग कर लेना है। यहाँ से कटिंग करते हुए हल्का सा यहाँ से फोल्ड करके यहाँ से कट कर देंगे। तो ये हमारी बाजू की शेप भी कटी हो जाएगी। देखिए इस तरीके से ये चोली की शेप हमने कट कर दी है। यहाँ से देखिए हमारा 3 इंच लगभग 2.5-3 इंच की है और इधर से भी सेम मेज़रमेंट की है। तो इसमें से हमें 2 स्ट्रिप इसमें से कट कर देंगे। देखिए इस तरीके से करके इसमें से 2 स्ट्रिप अलग अलग कर देंगे कटिंग करके। तो ये दोनों स्ट्रिप मैंने अलग कर दिए।
ये देखिए इस तरीके से आएगी ये। अब हमें क्या करना है इसका, दोनों साइड से ये देखिए इतनी कॉर्नर की साइड हमें सुईधा की हेल्प से इसमें लॉक कर देंगे। तो देखिए इसमें हमें पहले सुईधा की हेल्प से इसको सिलाई लगा देती हूँ इसमें। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने सिलाई लगा दी है। इसी तरीके से हमें दोनों साइड इसमें सिलाई लगानी है। तो देखिए दोनों साइड मैंने इसमें लॉक कर दिया है, बाजू की साइड भी और आगे की साइड भी। अब हमें क्या करना है, हम इसके एक दूसरे के ऊपर रख करके इसको थोड़ी सी दूर पर इस पर सुई धागे की हेल्प से इसको सेंटर से भी जोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए इस तरीके से लगाते हुए इसको हम इसमें सुई धागे की, तो यहाँ पर भी ये देखिए मैंने सेंटर में सिलाई लगाने के बाद इसको हम इधर से भी सुई धागे की हेल्प से जोड़ देंगे। यहाँ से बाजू की साइड भी सिलाई लगा देंगे, दोनों साइड इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो चलिए लगा लेते। तो देखिए दोनों साइड मैंने यहाँ पर भी सुई धागे से इसको जोड़ दिया है। देखिए चोली बन करके इस तरीके से हमारी तैयार हो जाएगी। अब इसको हम ड्रेस के ऊपर सुई धागे के हेल्प से जोड़ देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारी चोली आएगी। तो इसको भी हम स्टिच कर देते हैं ड्रेस के साथ। तो देखिए ड्रेस को हम यहाँ पर रखते हुए इधर की साइड हम रखेंगे और यहाँ से इस पर सुई धागे से सिलाई लगा देंगे। यहाँ से जॉइन करते हुए पूरे हिस्से में हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए चोली भी मैंने इसमें जोड़ दी है। तो चोली बनाने के लगाने के बाद ये देखिए हमारी ड्रेस इस तरीके से आएगी। बहुत ही क्यूट सी, बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस बन करके एक हैंकी की हेल्प से आप तैयार कर सकते हैं लड्डू गोपाल जी के लिए विंटर की पोशाक। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ये ड्रेस भी आपको अच्छी लगी होगी। ड्रेस अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।